तो दोस्तों हम ये क्लच साइड का अभी फिटिंग करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और जो ये गेयर बॉक्स का सिलेक्टर होता है उसकी ये चार पिन है और इसमें चार होल है, तो इसको पहले इसमें डाल देने के हैं। ये जो चार होल दिख रहे हैं, इधर किधर इधर और बीच में एक होल छोड़ देने का है और एक इधर डालने का है। तो मैं अकेला हूँ तो वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं इसको डाल के उसके ऊपर ये जो स्टार बना है उसको अलाइन करके मैं ले लेता हूँ और 5 नंबर एलंकी से उसको टाइट करके मैं ले लेता हूँ दोस्तों। इसको डालने के साथ साथ आपको गियर शाफ्ट भी डालना पड़ेगा। तो गियर शाफ्ट हमने क्लीन करके पूरा नहीं लिया है तो इसको मैं डाल के ले लेता हूँ अभी। तो दोस्तों हमने इसको फिट करके ले लिया है और उसके बाद इसकी बारी आती है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से स्प्रिंग डालने का है और उसके बाद आपको ये वाला जो बम्पर वाला वॉशर दिख रहा है उसको डालेंगे और उसके बाद ये गियर ब्लॉक फिट करेंगे। और फिट करने के पहले आपको ये चेक करने का है कि इसमें रोटेशन होना चाहिए अच्छे से और इसमें ज़्यादा प्ले ना होनी चाहिए, और प्ले हो तो इससे कम होनी चाहिए, जो ये पट्टी है उधर तक घिसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट है। तो हम इसको इस तरीके से डालेंगे और इसको इधर अलाइन करेंगे और उसके ऊपर एक वॉशर आएगा ये वाला और ये 10 नंबर का नट आएगा। तो हम इसको अच्छे से टाइट करके ले लेते हैं। और दोस्तों ये कभी भी आपका ये बोल्ट ख़राब हो तो आपको ऐसा ही बोल्ट परचेस करने का है, ना कि कोई 10 नंबर का या दूसरा बोल्ट डाल दोगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि जो ये होते हैं डोयल पिन जैसे वॉशर वो बाहर निकल जाएंगे 10 नंबर का बोल्ट डालोगे तो आपको यही बोल्ट लगाने का है। तो अभी मैं इसको अच्छे से टाइट करके ले लेता हूँ। वो हमने अच्छे से टाइट कर लिया, उसके बाद हम ऑयल पंप बिठाएंगे। तो ऑयल पिन पंप में दो डोयल पिन लगती है और एक हमने पैकिंग डाल दिया है, आप देख सकते हो। और जो ये पंप है उसको हमने पूरा नहीं लिया है तो वो अच्छी कंडीशन में था तो हमने इसको ही चलाया है और ग्राहक के पैसे भी बच जाएंगे। और आपका ख़राब है तो आप नया डाल दो, 200-250 रुपये में आराम से मिल जाएगा आपको। तो इसको पहले डालने का है लुब्रिकेशन करके, इसको डालने का है जो बड़ा चक्कर दिख रहा है और उसके बीच में वो रहेगा ये छोटा फोर वाला इस तरीके से, और इसके 3 बोल्ट है तो इसको मैं टाइट करके ले लेता हूँ। और जो स्क्रू टाइप के है तो इसको आप जो हमारा इम्पैक्ट ड्राइव आता है उसके साथ टाइट करें, ऐसे ही टाइट करोगे तो ये वाइब्रेशन के कारण लूज होगे और आपका ऑयल लीकेज होगा, बाद में ऑयल पंप काम नहीं करेगा तो पूरा इंजन का गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको अच्छे से टाइट करके मैं ले लेता हूँ अभी। तो दोस्तों हमने ऑयल पंप को टाइट कर लिया है और अभी हम ये वाला जो क्लच का कटोरा बोलते हैं उसको डालेंगे। उसको डालने से पहले आपको एक वॉशर लगाने का है दोस्तों। तो अभी रात काफ़ी हो गई है तो मेरे को चीज़ ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये दोनों वॉशर हैं तो आपको एक वॉशर नीचे डालने का है और एक ऊपर की साइड डालने का है। तो जो पतला है उसको नीचे की साइड डालेंगे और उसके ऊपर एक कटोरा बिठाएंगे और कटोरे के अंदर ये वाला बूस आता है दोस्तों, जो ये वाला बूस है तो इसको इस तरीके से डालेंगे और उसको घुमा के देखेंगे कि कंप्लीट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। और इसके ऊपर ये वाला वॉशर डालेंगे ये
एक क्लच सेंटर ले लिया है, क्लच अब ले लिया है और इसमें एक क्लच प्लेट डाल दिया है और उसके ऊपर ये वाला प्रेशर प्लेट लगेगा और उसके ऊपर एक क्लच प्लेट लगेगा। हमने सारा क्लच प्लेट को ऑयल से भिगा कर ले लिए हैं और इसमें एक खुरदुरा भाग होता है और एक वाल एक साइड पॉलिश होता है, तो पॉलिश साइड नीचे रखने का है और जो खुरदुरा भाग है उसको ऊपर की साइड रखने का है। तो दिखाए गए तरीके से आप इसको फिटिंग करेंगे। और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा जंग दिख रहा है, तो मैंने पानी से वॉश किया था और थोड़ी देर रहने के बाद ऐसा ही हो गया है, तो ऐसे कोई जंग लगा हुआ नहीं है, तो ये निकल जाएगा। और इसका हम क्लच सेंटर नया डालेंगे क्योंकि पुराने में बहुत सारे कट हो गए थे। तो अभी मैं इसका क्लच सेंटर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा क्लच सेंटर है और इसकी प्राइस 134 रुपये है। तो ये हमारा क्लच सेंटर है, देख सकते हो आप कि कितना मस्त है। और इसको इस तरीके का प्ले होना बहुत ज़रूरी है थोड़ा, और ये आसानी से ऊपर नीचे होना चाहिए। और ये पतला वाला वॉशर डाल के इधर इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। और दोस्तों चार क्लच प्लेट एक होल में डलेगा और जो ऊपर का एक क्लच प्लेट होगा वो अलग जगह लगेगा। तो अभी देख सकते हो कि चार क्लच प्लेट इधर आए हैं और एक क्लच प्लेट इधर आया है। तो इसके ऊपर दो वॉशर होते हैं। इस प्रकार के दो वॉशर होते हैं। तो ये वॉशर लगेगा, ये चेक नट उल्टा चूड़ी का होता है तो उल्टी साइड टाइट होता है और जिस तरह खोलते हैं उस तरह ये टाइट होता है, जो जिस तरह हम टाइट करेंगे उस तरह पे खुलेगा। तो एक जो फ्लैट वाला वॉशर है उसको नीचे डालेंगे और जो अंदर की साइड मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर की साइड रखेंगे दूसरे में और इसको हम टाइट करेंगे। तो अभी मैं इसको अच्छे से टाइट करके ले लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ये बोल्ट को टाइट कर दिया है और ये हमारे पास स्प्रिंग है छः, तो इसको इस तरीके से डालने की है छः, जो ये क्लच सेंटर का स्टड बना हुआ है छः उसमें इसको लगा देने का है। लगाने के बाद ये दोस्तों ये प्लेट इस तरीके से लगेगी और ये 6-8 नंबर के बोल्ट है, तो इसको भी आमने सामने करके थोड़ा थोड़ा टाइट करने का है। तो दोस्तों हमने 8 नंबर कटी से इसको टाइट करेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों थोड़ा टाइट होने के बाद इस तरीके से हिला के आप ऊपर की साइड इसको पुश करोगे और बाकी बोल्ट इस तरीके से टाइट करोगे थोड़े थोड़े करके। ये डायरेक्ट एक बोल्ट को ही टाइट कर दोगे आप तो ये प्लेट टूट जाता है, क्योंकि ये प्लेट एल्युमिनियम का होता है तो जल्दी क्रैक हो जाता है।
जैसे दोस्तों देख रहे हो आप कि मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर रहा हूँ सारे बोल्ट को, ताकि ये चटके नहीं। तो इस प्रकार से आप टाइट कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। अभी सब बोल्ट टाइट होने ही वाले हैं। और उसके बाद हम जो क्लच हमारी किक की शाफ्ट होती है वो डालेंगे। उसके पहले आपको ये चेक कर लेने का है कि इसका रेचेट सही है, ख़राब हो तो दूसरा चेंज कर दो आप। और एक वॉशर ये वाला छोटा नीचे की साइड आता है और एक बड़ा वॉशर ऊपर की साइड रहता है, तो नीचे की साइड वाला वॉशर हम नीचे ही लगा के ले लेते हैं। अभी आपको दिक्कत हो तो ग्रीस भी थोड़ा अप्लाई करके आप इसकी जगह होल्ड कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही डाला है, और किक का जो ये पॉइंट है उसको इस तरीके से डालने का है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इधर की साइड आएगा, और आप टाइट करोगे तो बहुत टाइट हो जाएगा, तो इसको घुमाकर वापस पीछे की साइड लेने का है। जब इधर रहेगा तो ये आपका कंप्लीट है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इसको वापस घुमा के इधर लाने का है इस तरीके से। तो मैं इसको अभी पूरा घुमा के इधर ला देता हूँ। तो अभी मैंने प्लग भी लगा दिए, तो कंप्रेसर गाड़ी का अभी बनेगा, तो मेरे को किक लगाना पड़ेगा और बाद में घुमा के इस तरफ लाऊंगा मैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि जो हमारा रेचेट है उसको ऊपर की साइड पुश करूँगा और इस तरीके से घुमा के जो उसका स्लॉट है उधर बिठाऊँगा, इधर लाके रखने का है आपको। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर की साइड होल्ड करके घुमा के ले लेता हूँ। तो कि मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ इसको, तो ये अपनी जगह कंप्लीट बैठ चुका है। और ये वॉशर का ध्यान रखें दोस्तों। और अभी हमें क्लच का बेयरिंग डालेंगे ये वाला, और क्लच कवर को भी अच्छे से इसको रेगमाल से क्लीन करेंगे, और इधर एक ऑयल सील रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो क्लच का हमारा टेस्टनर रहता है ऊपर की साइड का लीवर बोल सकते हो आप, तो इसको इस तरीके से आपको लगाने का है। तो इसको इस तरीके से आप अलाइन कर दो, और इसके नीचे एक वॉशर रहेगा दोस्तों। थोड़ा इधर कचरा जम गया है तो मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रख के जो क्लच का कवर है इसका ऑयल सील चेंज करके आप इसको इस तरीके से डाल दो, और आप इस तरीके से वर्क करता है। और इसके ऊपर में एक ठेसी भी बना हुआ होता है ये वाला, तो आप इसको इधर रख के इसको पीछे की साइड रख के इसको पैकिंग के साथ आप इधर फिट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको थोड़ा क्लीन करने का है, तो मैं क्लीन करके इसके पैकिंग को लगा के ले लेता हूँ। दोस्तों एक क्लच कवर फिट करने के पहले वाला पिन आप दोस्तों ज़रूर लगाएं, और भूल जाएंगे तो बाद में आपका क्रैंक ख़राब हो सकता है। तो ये वर्क करना चाहिए ऊपर नीचे इस तरीके से।
जो गाड़ी का इंजन बनाया था अभी डिस्कवर 125 का, तो इंजन की आवाज़ आप सुन सकते हो कि बिल्कुल मक्खन जैसी है, और अभी पेट्रोल नहीं है तो बंद हो जा रही है। देख सकते हो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी जैसी आवाज़ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।